हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप वो अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। फ़ोन की सेटिंग में आएंगे, सेटिंग आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर वॉलपेपर। सिंपली आप वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके बहुत सारे वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी वॉलपेपर आपको पसंद हो, कोई भी वॉलपेपर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आपको ये वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी वॉलपेपर आपको इसमें से चाहिए, जो आपको अच्छा लगता हो, तो यहाँ से आपसे यूज कर सकते हैं। सारे वॉलपेपर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से वॉलपेपर आपको अपने फ़ोन में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो वॉलपेपर आपको पसंद हो या अच्छा लगता हो, तो सिंपली आपको उसे अप्लाई कर देना है। लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों जगह हम उसे ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। और आपको यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर अब हमारे फ़ोन के अंदर हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।